बापरे। कहां छुपे हैं बे थ्री इडियट्स? ए धनंजय, अपनी बेटी से प्यार करने वालों के हाथ पांव तोड़ने का बहुत शौक है ना? तेरी किस्मत ही खराब है, मुझे उससे प्यार हो गया। सही कहा ना डार्लिंग? ये जूनियर आर्टिस्ट, तूने इन लोगों को हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई है ना? मैं इस झूठ को सच में बदल दूंगा। वो क्या है ना, उस दिन के बाद मेरा तुम पे दिल आ गया है। अपनी बेटी की बात सुन ली तो आप मेरी भी एक बात सुन ले। इंदु, आई लव यू। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल रहा है? ए, मारो इस कमीने को। दोस्तों छुप जाते हैं, नहीं तो मार पड़ेगी। रुको, रुको, रुको। अब जब बात हाथापाई पे उतर आई है तो तुम्हें मैं एक राज की बात और बता दूं। तुम्हारे सपनों को खाक करने वाले जिस आदमी की तलाश तुम कर रहे हो ना, वो मैं ही हूं। नहीं समझे? जानते हो तुम्हें मेयर बनने से किसने रोका? मैंने। ऐ, बंद कर दो सारे दरवाजे। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो आज खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। मारो साले को। तेरे चेहरे पर यही डर तो देखना था मुझे। पर बहुत तरस आ रहा है। जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? मैं रामचंद्र का बेटा हूं। जिस जगह मेरे पापा की बेइज्जती हुई उसी जगह खड़े रहकर मैं आज ये कसम खाता हूं कि तुम्हें अपने पैरों में गिराकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। तुम अपने हाथों से अपनी बेटी को मेरे साथ विदा करोगे। इसे धमकी मत समझना, ये पत्थर की लकीर है। तेरी बिगड़ैल बेटी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा और तेरे इस खानदान का दामाद बनूंगा, और मैं ये सब करूंगा तुम तीनों की आंखों के सामने। अगर रोक सको तो रोक कर दिखाओ मुझे। पापा, मैं कार्तिक से प्यार नहीं करती। मैंने उससे बदला लेने के लिए गुस्से में ये सब झूठ बोला था। तो ये तुम्हारी गलती थी, पता तुम्हारी वजह से क्या? तो दिवाकर, इंदु की वजह से उसकी इतनी हिम्मत हुई। इस शहर के लोग हमारा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, लेकिन आज उसने हमारे घर में घुसकर हमारी बैंड बजा दी। एक दुश्मन को मारने के लिए दूसरे दुश्मन से ही हाथ मिलाना पड़ेगा। इस आंधी को सिर्फ शिवा रेड्डी रोक सकता है। मैंने अपना काम वक्त पर पूरा किया, पैसा पहुँचा देना। शिवा रेड्डी, अपनी बेटी की खातिर हमारी दुश्मनी को भुलाकर तुमसे मदद मांगने आया हूँ।
औरतों को अंदर लेकर जाओ। क्या हम भी यहाँ रुक सकते? चुपचाप अंदर जाकर बैठो और बाहर मत आना। हेलो कार्तिक। इंदु, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे शिवा रेड्डी के घर से आकर ले जाओ। धनंजय, मेरी मदद लेने के लिए अपने घर की औरतों को भी साथ ले आया? तेरे चेहरे का जोग्राफिया इतना बदला क्यों है? किसने बनाया होलिया ये? कार्तिक, मेरे पुराने दुश्मन का बेटा। उस कमीने ने मुझे चैलेंज किया है कि एक दिन मैं उसके पैर धोकर अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा। अगर तुम उसे मेरे पैरों में गिराकर माफी मंगवाओगे तो बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि मेरी पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज सब तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा। वो दिखता कैसा है? ये देखो। हाथ से जाता मोबाइल और हाथ में आया शिकार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? उसकी वजह से हम अपना घर बार सुख चैन सब गवा बैठे हैं। पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। पता कहाँ मिलेगा वो? तुम्हारे साथ उसने क्या किया? उस कमीने की वजह से मेरी बहन की शादी होते होते रह गई और उसी कुत्ते की वजह से आज मेरा भाई कोमा में पड़ा है। मुझ पर भरोसा करके जिंदगी का फैसला करने वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो इन्हें हाथ लगाएगा उनके हाथ उखाड़ लूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। रुको शिवा रेड्डी, मेरी बेटी यहाँ पर है, वो उसे ढूंढता हुआ खुद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्यों लेकर आई हो? बस दर्शन करके आती हूँ। हेलो। हे कार्तिक, मैं अपनी बेटी के साथ शिवा रेड्डी के घर पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तेरे में हिम्मत है तो यहाँ आकर उसे छू कर दिखा। मेरी हिम्मत चेक करने से पहले ये तो चेक कीजिए कि आपकी बेटी वहाँ है या नहीं। ससुर जी, इंदु कहाँ है? वो कार्तिक यहाँ आया था और इंदु को अपने साथ ले गया। तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दी? आप ही ने तो कहा था कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। तुम मुझे झटका देना चाहते थे और मैंने तुम्हें झटका दे दिया ससुर जी। और आपकी तारीफ क्या है? जिस बुली रेडी को तूने कोमा में पहुँचाया था मैं उसी का भाई हूँ। साले अब कोमा में तू जाएगा। क्या बात है, आज सारे दुश्मन इकट्ठा होकर यूनियन बना रहे हैं मुझे मारने के सपने देखने वालों। ऑल द बेस्ट। हेलो पूर्वी। हाय इंदु। मैंने कार्तिक से प्यार का ढोंग रचाकर एक प्लान बनाया है। वेरी गुड इंदु, हमने तुम्हारे वीजा के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। 10-15 दिन में अप्रूवल भी मिल जाएगा, तब तक तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। तुम हमारी मदद करने वाले अनजान शख्स से प्यार करने लगी हो, दैट्स रियली ग्रेट इंदु। सुनो, मुझे किसी भी तरह से कार्तिक से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ऐसा क्यों किया तुमने? उसके पीछे एक वजह है कार्तिक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है। तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आए जब मैं उसे ढूंढ रही थी और मेरे घर वालों ने मुझे तुमसे दूर रखने के लिए शिवा रेड्डी के यहाँ रखा। तुम्हारे प्यार की आड़ में मैं अपने प्यार को बचा रही हूँ। तुम किससे प्यार करती हो ये मैं नहीं जानना चाहता इंदु, पर क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है? बस इतना कह सकती हूँ कि वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। I'm very sorry इंदु, बिना सच्चाई जाने मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर तुम्हारे प्यार से अब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। नहीं कार्तिक, मेरी वजह से तुम पहले ही बहुत प्रॉब्लम में हो। अरे पगली, अगर अपनी प्रॉब्लम्स तुम अपने आप सॉल्व कर लेती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। मुझे प्यार ना मिला तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मैं दिलवाऊंगा। पहले भगवान से मिलो। पंडित जी, बेटी रेड्डी यहाँ पहुंच गए हैं। नमस्कार बेटी रेड्डी जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। रेड्डी जी, पूजा की थालियाँ हमें दे दीजिए, नारियल फोड़कर पूजा प्रारंभ करते हैं। हाँ जरूर, दो भाई, दो दो इनको दो। बॉस, बेटी रेड्डी मंदिर में है। आज उसे मार कर उसका धड़ दोनों गांव के बीच में डाल दो।
और उसका कटा हुआ सर मेरे चौखट पे लटका हुआ होना चाहिए। वो बचना नहीं चाहिए, समझ गए? शुक्रिया बेटा, तुमने आज नरसिम्हा का अवतार बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है। कौन से गांव के हो तुम? दरअसल मेरी फैमिली तो इसका नाम कार्तिक है और मेरा नाम इंदु है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा तो तुम दोनों लवर? जी अंकल, मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं और वो कार्तिक को मारना चाहते हैं। 10-15 दिन में हमें कनाडा का वीजा मिल जाएगा, पर तब तक हम कहाँ छुपे? हमें कोई परेशानी नहीं, आज से तुम मेरे मेहमान हो। सर, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। तुमने हमारे परिवार की रक्षा की है, अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी रक्षा करने का। चलो। अरे सुनो, अब कनाडा जाने तक यही तुम्हारा घर है, आराम से रहना। अगर तुम्हें कोई मारने के लिए आ भी गया तो यकीन करो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो जिंदा नहीं जा पाएगा। थैंक्स अ लॉट सर। वो क्या है सर? वो तो घोड़े हैं। वो तो दिख रहे हैं सर, लेकिन उनके ऊपर कौन बैठा है? अरे दादाजी हैं। वो कहाँ है सर? वहाँ ऊपर है। अरे वो ऊपर वाला ऊपर। हमी के दिनों में सब डर के मारे लगान देते थे, लेकिन मेरे दादाजी इसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी और लगान देने से इनकार कर दिया। मेरे दादाजी की बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है ये। सभी लीडर्स का दिया हुआ ये तोहफा हमारे खानदान की इज्जत की निशानी है। उसे वहाँ क्यों रखा है सर? किसी के हाथ से गिर गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों के लिए कमरे का इंतजाम करो, लेकिन साथ में नहीं। अब तो मानते हो ना कि मेरा प्लान कितना धांसू था? अब 15 दिन आराम से यहाँ रहेंगे। आप चिल्लाए क्यों? बहन जी, ये लोग कौन हैं? ये बड़े मालिक के बेटे हैं। बेटे? आपका कमरा तैयार हो गया है। हाँ, अब जाइए हमारे। हाँ। कैसा बकवास प्लान था तुम्हारा, बेटों के हाथ से बचकर बाप के हाथों मरने आ गए। अब क्या करेंगे? करना क्या है, जान बचाकर भागो। चलो ठीक है।